अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कैनेडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन दोस्त, अब आप पूछ रहे हैं कि गिलानी साहब आप बताएं कि जो इमरान खान साहब चीफ कमिश्नर इलेक्शन तब्दील करना चाहते हैं उस पर आपकी क्या राय है। तो मैं मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ मगर उसमें बता रहा हूँ कि वैसे तो मुझे अगस्त का महीना उनके सितारे बता रहे हैं गर्दश में है, तब्दील होता नज़र आ रहा है चीफ कमिश्नर इलेक्शन। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अगस्त में नहीं होता तो इलेक्शन से पहले हर मुमकिन ये जो चीफ कमिश्नर है ये तब्दील हो जाएगा और जो ये मतनाज़ा बना हुआ है इसकी छुट्टी हो जाएगी और नया चीफ कमिश्नर इलेक्शन आएगा तो जब नया चीफ कमिश्नर इलेक्शन आएगा तो उसकी सुपरविज़न में इलेक्शन होंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अदारों के सरबराह को मेरिट पे बात करनी चाहिए ताकि अवाम में आपकी इज़्ज़त बढ़े। कल को आपने अवाम में जाना है तो अपनी जो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी है उसको भी ज़रा नज़र में रखें कि आप जिस तरह से अपने इक्तदार में इज़्ज़त करवाते हैं दुनिया से उसी तरह रिटायरमेंट के बाद भी लोगों से इज़्ज़त करवाएँ। तो गुजारिश ये है कि सच को साथ लेकर चलें, हक को साथ लेकर चलें, आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया ये जो चीफ कमिश्नर है ये हर सूरत तब्दील हो जाएगा और नया चीफ कमिश्नर आ जाएगा और नए चीफ कमिश्नर की मुनासबत से सारे अदारे आई मीन इलेक्शन के बदल का काम सही करेंगे और बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा और दो तहाई अक्सर के साथ इमरान खान साहब असम्बली में पहुंचेंगे और एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर नवंबर में हलफ उठाएंगे। तो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।